हेलो फ्रेंड्स, रूबीज कुक बुक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों का सबसे फेवरेट नाश्ता या टिफ़िन। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सब्जी नहीं है और झटपट एकदम टिफ़िन तैयार करके बच्चों को देना है, तो हम ये आलू भुजिया का रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए, ये झटपट 10 से 12 मिनट में बनने वाला आलू का भुजिया बनके तैयार हो जाने वाली रेसिपी शेयर करते हैं। आलू भुजिया बनाने के लिए मैंने बॉयल करके छोटा आलू को छोटा छोटा पीस में काट लिया है। तो ये बॉयल करके ठंडा कर लिया है मैंने आलू को। तो यहाँ पे पहले हम कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। इसमें डालेंगे 3 चम्मच ऑयल, तेल को गर्म होने देंगे। ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 2-3 कटी हुई हरी मिर्च। जीरा को थोड़ा सा फूटने देंगे। तो देखिए, जीरा थोड़ा सा फूट गई है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ कट करके रखा हुआ आलू। तो उसके बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे। तो देखिए, अच्छे से इसको चला के मिक्स कर लेना है। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो गई है। फ्लेम हम मीडियम टू हाई ही रखेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको उलटते पुलटते पूरा ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, उलटते पुलटते इसको अच्छे से ब्राउन करना है। ये आलू फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 5 से 10 मिनट में ये मसालों के साथ भून के तैयार हो जाता है। तो देखिए, आलू अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारा मसाला। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1/2 इंच जैसा ग्रेटेड अदरक। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गोलकी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे हम 2-3 हरी मिर्ची को चीरा लगा के डाल देंगे। किसी को तीखा पसंद होगा तो वो हरी मिर्ची लेंगे। तो उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक ऐड करके 2 से 3 मिनट चला लेंगे और उसके बाद 2 से 3 मिनट बाद इसको ढक्कन हम लगा देंगे। इससे आलू और भी नमक मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो देखिए, ढक्कन मैंने लगा दिया है। अब इसको हम ढक्कन हटा के चेक करेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से आलू मसालों के साथ मिक्स हो गई है और आलू भुजिया तैयार है। अब इसमें हम ऊपर से हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। तो देखिए, हरे धनिया से मैंने गार्निश कर दिया है और टेस्टी टेस्टी आलू भुजिया तैयार है। ये बुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, 10 से 12 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। ये भुजिया आप पूड़ी के साथ बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, बहुत पसंद करेंगे बच्चे। इसे आप ऐसे रोटी, पराठा, कोई भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो देखिए, बच्चों के फेवरेट आलू का भुजिया बनके तैयार है। आपके बच्चों को पूड़ी, पराठा, रोटी, जो भी पसंद है उसके साथ आप दे सकते हैं। आज मैंने स्पेशली बच्चे के लिए पूड़ी बनाया है ये भुजिया के साथ। अगर आपको ये आलू भुजिया का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।